आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फेसेस। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक एक अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है, जरूरी नहीं कि सिलेबस में हो। एक अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है कि एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फेसेस क्या होती है, मतलब कि प्रोग्राम को बनाने से लेके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने तक, सिर्फ इन बीच में उसको किस किस जगहों से गुजर के जाना पड़ता है। मतलब कहते हैं ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लेवल्स है, तो ये सब उसकी एक एग्जीक्यूशन फेस कहलाती है। देखेंगे कि एक सी प्रोग्राम के लिए उसकी एग्जीक्यूशन फेस क्या होती है। मैंने जो पॉइंट्स लिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ उतने ही पॉइंट्स हो, किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के लिए कम भी हो सकते हैं, कुछ हम एक्स्ट्रा डाल भी सकते हैं, क्योंकि जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो सब कुछ डल सकता है, क्योंकि अपनी नॉलेज ज़्यादा काम करती है। तो देखते हैं कि सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फेस क्या होती है। सबसे पहली होती है एडिट। एडिट अब बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आप जानते हैं। एडिट का मतलब मैं इस लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को टाइप करना कि हमें करवाना क्या है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखना। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जो प्रैक्टिकल या थोड़ा सा आगे जाके टॉपिक को हम करेंगे तो आगे जाके क्लियर हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन मतलब कोई टास्क, कोई भी चीज़, कोई भी हर चीज़ बताना उसको कि क्या चीज़ है, क्या क्या हमने लिया है, कैसे क्या परफॉर्म कराना है, ये सब हमारी इंस्ट्रक्शंस होती है। तो पहली फेज क्या थी हमारी, एडिट। एडिट के अंदर क्या, इस चीज़ों इंस्ट्रक्शंस को लिखना। अब हम ये देखेंगे कि लिखना तो ठीक है, बट किस चीज़ के अंदर लिखे। तो सी का एक कंपाइलर होता है। लोग देखिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या करते हैं, लोग कहते हैं हमें सी का सॉफ्टवेयर दे दीजिए। सी का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसका एक कंपाइलर होता है। जैसे कि पुराने अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप देखोगे आपको बोरलैंड का सी का कंपाइलर मिलेगा। हम सॉफ्टवेयर कहते हो, कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या कि जिसके अंदर हम उसे लिखेंगे, उसे समझाएंगे और उसे कंपाइल करेंगे, एरर भी निकाल के देगा, ये सब चीज़ें उसके अंदर होगी। तो ये कंपाइलर होता है उसका। कंपाइलर का भी खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो शायद सेवन्थ या एट्थ सेमेस्टर में है, वो भी करेंगे। तो कंपाइलर आपको समझ में आया कि कंपाइलर में हम चीज़ को अपने सी के इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसे आगे जाके और भी कंपाइलर आए, जो सॉफ्टवेयर आए, अब हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो आया, और भी जैसे मैं खुद कहूँगा कि जो मैंने सी की प्रोग्रामिंग की थी, अब मैंने विंडो 7 है मेरे लैपटॉप में, तो उसके लिए अलग से ही अब कंपाइलर आया, उसकी अलग से ही थोड़ा सा तरीका अलग हो गया है। तो जब वो आएगा मैं आपको बताऊँगा क्या है। तो दोस्तों कंपाइलर शायद आप समझ गए होंगे। अगर एक ईजिएस्ट वे में आपको फिर से कहूँ तो कंपाइलर के अंदर ही सारे टास्क होते हैं हमारे, उसे लिखना, उसके एरर निकालना, उसके लिए एग्जीक्यूट कराना, और भी जो चीज़ें आएगी वो आपको पता चल जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे एग्जीक्यूशन फेज का, जो सेकेंड पॉइंट है वो है प्री प्रोसेस, कि किसी चीज़ जैसे एक प्रोग्राम को कम्प्लीट करने के लिए उसे और भी फाइल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी फाइलें जो पहले से ही कंपाइल हो और जिसे कंप्लीट करने के लिए, एक प्रोग्राम को कंप्लीट करने के ऐसी फाइलें जो जरूरत पड़ती है उसे हम प्री प्रोसेस फाइलें भी कह सकते हैं, एक प्रोसेस भी कह सकते हैं हम एक तरीके से, कि कंपाइल करने से पहले एक ऐसा प्रोसेस जिसमें उस प्रोग्राम से रिलेटेड जरूरी फाइलों को डाल दिया जाता है कि भाई तुम्हें ये चीज़ यहाँ से उठानी है, ये चीज़ ये है जो मैंने लिखी हुई है, उन चीज़ों को हम प्री प्रोसेस कह सकते हैं, ऐसी फाइलों को उठाना जो प्रोग्राम को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो प्री प्रोसेस वो हो गया। जैसे कि मैंने लिखा हुआ इंक्लूजन ऑफ अदर फाइल्स इन अ फाइल बीइंग कंपाइल्ड, जिसे कंपाइल कराने में हेल्प हो सके। दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं ऐसे कॉन्स्टेंट और माइक्रोज, जैसे माइक्रो, और ऐसे ही कुछ ऐसे कोड्स जो ऐसे कुछ डायरेक्टरीज, हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी एक कंसेप्ट होता है, एक डायरेक्टरी होती है, इसे भी हम यूज करते हैं, या हम कहें कि यही यूज होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज प्री प्रोसेस के अंदर प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड फेज आती है हमारी कंपाइलिंग। अब कंपाइलिंग में ये होता है कि एक एरर निकालना, प्रोग्राम के अंदर एरर क्या है पहले तो ये देखो। जब हमें प्रोग्राम को टाइप कर लिया और हमारी जो ऐसी डायरेक्टरीज है जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें प्रोग्राम को आगे रन करने के लिए, वो डल गई, अब प्रोग्राम में से एरर निकालो कि भाई प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं। तो कंपाइलिंग क्या होगी, प्रोग्रामिंग में से एरर निकालना। एरर में हमारे सिंटैक्स एरर होते हैं या अलग टाइप के भी एरर होते हैं, वो भी हम करेंगे कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं। मतलब कंप्यूटर के लिए, एक लैंग्वेज के लिए हम कह सकते हैं सिंटैक्स एरर निकालना मेन, तो कि कोई कि जिस फॉर्म में हमें लिखना चाहिए था, बताना चाहिए था, क्या उस तरीके से लिखा गया है या नहीं।
एक कंपाइलर इसी को चेक करता है, वो इसी तरीके से डिजाइन होता है पूरा का पूरा कंपाइलर। तो कंपाइलिंग के अंदर हमने क्या देखा, एरर्स निकालना, तो सिंटेक्स एरर हो गए, ऐसे मैंने एग्जांपल लिया, कंपाइल टाइम एरर भी हो गया। डायग्रामेटिकली को बताया हुआ है कि कैसे इसे करना है, तो इस डायग्राम पे तो मैं थोड़ा बाद में आऊंगा आपको, पहले मैं इसकी फेजेस बता देता हूँ क्योंकि मैंने सारी की सारी फेजेस इसके अंदर बताई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा कंपाइलिंग के बाद लिंकिंग। लिंकिंग के अंदर क्या करते हैं हम दोस्तों, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड बनता है, जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो वो ओबीजे फाइल बनाता है, मतलब ऑब्जेक्ट फाइल। अब ऑब्जेक्ट फाइल को हम डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में तो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि वो मशीन लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 समझ सकती है। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होगा कि इस कोड को जब कंपाइलर ने इसे कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड बना दिया, तो इसे हम लाइब्रेरीज के साथ लिंक करते हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होते हैं या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए और भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसके साथ लिंक करते हैं, ताकि जो प्रोग्राम के अंदर जो कमी है वो कंप्लीट हो जाए और वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सके, मतलब हमारी एक मशीन लैंग्वेज बेस्ड फाइल बना सके, ताकि उसे हम एग्जीक्यूट कर सके, मतलब रन कर सके, मतलब कि अपनी इंस्ट्रक्शन बता सके और आउटपुट ले सके। तो लिंकिंग फेज में यही होता है कि सिर्फ हम एक ऑब्जेक्ट कोड और अपने एक लाइब्रेरी को कंबाइन करवाते हैं, मतलब जो भी उसकी कमी है उसको पूरा करवाते हैं और उसे आगे हम एक एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक एग्जाम की फॉर्म एग्जाम्पल की फॉर्म में लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कि पहले पॉइंट पे क्या था, कंपाइलर ने लिया, कंपाइलर ने क्या बनाया सेकंड पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड के अंदर हमने मैंने लिखा है विद होल्स, होल्स का मतलब कमी है कुछ अभी इसके अंदर। तो लिंकिंग प्रोसेस में क्या क्या, मतलब एक लिंकर में, लिंकर की जरूरत होती है हमें लिंकिंग करने के लिए। लिंकर में क्या क्या, कुछ प्राइवेट लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को एडअप किया जिसकी प्रोग्राम के हिसाब से जरूरत थी हमें, उनको डाला और ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट कोड किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एक एग्जीक्यूटेबल इमेज, मतलब एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है हमारा, लिंकिंग के बाद आता है लोडिंग। अब प्रोग्राम को हमें सीपीयू के अंदर डालना होता है, मतलब हमारी एक मेन मेमोरी के अंदर डालना होता है, हम सीपीयू नहीं कहेंगे, मेन मेमोरी कहेंगे। मेन मेमोरी के अंदर जब तक डलेगा नहीं तो सीपीयू उसे रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीपीयू हमेशा ध्यान रखना 99% जो हमारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर बनते हैं उसमें क्या होता है कि सीपीयू जो होता है वो हमारा जो भी उसको इंस्ट्रक्शन या जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसकी इंस्ट्रक्शन जो होती है पहले मेमोरी के अंदर आती है फिर वो उसे परफॉर्म करता है। तो अब हमारा टास्क क्या है कि इसे मेमोरी के अंदर डालना। तो लोडिंग में यही होता है कि हमारे जो एग्जीक्यूटेबल इमेज होती है वो डिस्क हमारी एक मेमोरी के अंदर जाती है। देखिए मैंने बनाया हुआ है कि डिस्क के अंदर एग्जीक्यूटेबल इमेज पड़ी है हमारी, मतलब हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर, और वो लिंकिंग और लोडिंग होने के बाद लोडर की हेल्प से मेमोरी के अंदर चली गई एग्जीक्यूटेबल इमेज रन होने के लिए। अब नेक्स्ट आया हमारा एग्जीक्यूशन। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने टाइप भी कर लिया, जो उन फाइल्स में कमी थी प्रोग्राम के अंदर वो भी फाइलें हमने उसे दे दी, हमने उसे कंपाइल भी कर दिया, एरर भी निकाल दिया उसे, और अब हमने क्या कर दिया, हमने मेमोरी के अंदर भी डाल दिया। अब क्या करना है, उसे रन कराना है। तो देखिए सिंपल, प्रोग्राम बन गया हमारा, सीपीयू के पास गया और आउटपुट आ गया, ये हमारी एग्जीक्यूशन फेज है बस। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मर्जी आपकी है, मैं तो पागलों की तरह बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपको अगर आपको लगता थोड़ा आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो कर लीजिए, वरना तो कुछ फ़ायदा नहीं, फालतू में आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने डायग्राम बताना भूल गया आपको, मैं डायग्राम देखिए मैंने लिखा हुआ है इसकी हेडलाइन सी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आ सकता है आपको एक टॉपिक अलग से कि सी की डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की आप डायग्रामेटिकली बताइए। तो देखिए पहले मैं जैसे एडिटर, प्रीप्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, लोडर ने क्या किया डिस्क में डाला और फिर सीपीयू में चला गया। तो इसे आप कर लीजिए, सारे वही पॉइंट्स है, बहुत इजीली वे में कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, डायग्राम से जितना आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट करोगे सबसे बेटर है, कि टीचर ने डायग्राम देखा समझ गई कि डायग्राम से इसने ये बता दिया, मतलब इसने कहानी नहीं लिखी होगी अंदर, वो समझ जाएगा एक लेक्चरर कि हाँ इसे आता है। तो डायग्राम से अपनी चीज़ को समझाने की कोशिश ज़्यादा करें। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही है, थैंक यू।